राहुल गांधी लंबे समय बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी पहुंचे। इस दौरान वे राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की, साथ ही सेवाग्राम और छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की स्थापना कर भूमि पूजन किया। राहुल के इस दौरे को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शक्ति प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल के दौरे से भूपेश बघेल एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। अपने दौरे से राहुल गांधी छत्तीसगढ़ सरकार की जनहित योजनाओं से रूबरू हुए और उसके लाभार्थियों से भी मुलाकात की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। इस बीच राहुल गांधी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के परिवार से भी मुलाकात की। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगस्त में राज्य में हुए सियासी उठापटक के बीच यह खबर सामने आई थी कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से नाराज चल रहे हैं, लेकिन पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से उनके संबंध ठीक हैं। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे से मुख्यमंत्री के एक साथ कई निशाने साध रहे हैं। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ कांग्रेस के गुटों को यह संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस हाईकमान से उनके संबंध अच्छे हैं, इसलिए उनके बुलावे पर राहुल गांधी रायपुर आ रहे हैं। दूसरे मुख्यमंत्री राहुल गांधी को रायपुर बुलाकर सेवाग्राम की नींव रखकर यह बताना चाहते हैं कि वे देश और कांग्रेस पार्टी के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं। तीसरा, वह यह भी बताने से गुरेज नहीं कर रहे कि भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई लेने वाला अगर देश में कोई मुख्यमंत्री है तो वह केवल भूपेश बघेल ही है। वह राज्य के सभी कांग्रेसी नेताओं को मैसेज देना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में वही कांग्रेस पार्टी के असली नेता और चेहरा हैं। मुख्यमंत्री किसान और मजदूरों के बीच भी मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे बड़ी किसान हितैषी कोई पार्टी है तो वह केवल कांग्रेस है और उसके नेता भूपेश बघेल हैं। इसलिए देश में पहली बार भूमिहीन किसानों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के जरिए पैसे देने की शुरुआत की जा रही है। हालांकि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम के दौरान ढाई ढाई साल के मुख्यमंत्री की मांग उठाने वाले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मंच पर मौजूद रहे। राहुल गांधी ने उनसे भी अलग से मुलाकात की होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राहुल गांधी के रायपुर दौरे का छत्तीसगढ़ के अंदरूनी राजनीति से अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल का विवाद फिलहाल तो खत्म हो गया है। इस मामले में कोई हलचल हुई तो वह 10 मार्च के चुनाव परिणामों के बाद ही देखने को मिलेगी। अगर कांग्रेस को पांचों राज्यों में हार मिलती है तो असंतुष्ट नेताओं को फिर से अपनी आवाज उठाने का एक मौका मिल जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ के नेता शामिल होते हैं या नहीं, ये समय बताएगा। हो सकता है टीएस सिंहदेव के समर्थक अपनी पुरानी मांगों को फिर से दोहराएं। अगर कांग्रेस की पंजाब और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो न केवल राहुल और प्रियंका का वर्चस्व बढ़ेगा बल्कि भूपेश बघेल भी कांग्रेस पार्टी में मजबूती के साथ उभरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।